एक बात बता देती हूँ आप लोगों के साथ, एक बात शेयर करनी है मेरे को कि जब से मैं मेरी डिलीवरी हुई थी और मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, तो तब तक मैं बना लेती हूँ अपने लिए कद्दू की सब्जी। जोर के इसलिए नहीं बोल रही, मुझे डर लगता है कि उठ ना जाए। बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने इन्हें, क्योंकि मैं आपको पता है फास्ट पे, मतलब कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, तो डाइटिंग भी करती हूँ। तो ये कद्दू कैलोरी में सबसे कम होता है एंड इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ अपने लिए ये। अब टाइम मिला है मुझे और मैंने फोन ऐसे ही डब्बे पे रखा हुआ है बनाते हुए, और ये बनके भी 5 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। दिखाती हूँ आपको अभी, पहले मैं इसको चला दूँ अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आधा कद्दू, मतलब पेठा जो होता है, पेठा बोलते हैं इसको, मैंने थोड़ा इसको आधा कट किया है, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आधा ही बना रही हूँ। साथ साथ में उधर भी देख रही हूँ कि कहीं वो उठ ना जाए, और जब तक वो उठे मैं खा पी लूँ अपना आराम से, वरना मुझे जल्दी जल्दी में खाना पड़ता है। मसाले में तो क्या ही डालती हूँ, मिर्च डालती हूँ, कश्मीरी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा लिटल बिट ऑफ कोरिएंडर पाउडर। मास्टर शेफ बनी हुई ना हमने। पानी में इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि पानी अपने आप छोड़ देता है, और इसे सिम करके और इसे बनाना चाहिए। और गाइस, आपको एक और बात शेयर करनी है, मुझे बने रहना आप लोगों को। मैं ढक्कन देख रही हूँ, मुझे करनी है आप लोगों के साथ एक बात शेयर, अभी बताती हूँ। तो गाइस, मैं आपको वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। शिवा चल के दिखाओ, कम ऑन, मटल्ला मेरा, एक खड़ा होने दे, खड़ा हो गया, वाह। यहाँ पे कर रहा है वीर कलर, वाओ वीर, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू, वाओ। एक बात बता देती हूँ आप लोगों के साथ, एक बात शेयर करनी है मेरे को कि जब से मैं मेरी डिलीवरी हुई थी, मतलब 8 महीने का शिवा होके 9वें महीने में लग जाएगा, और तब मुझे लगातार जब डिलीवरी हुई थी उसके 15 दिन तक मुझे लगातार पीरियड्स रहे थे, 20 दिन तक रहे थे, 20 से भी आई गेस ज़्यादा ही रहे होंगे। और उसके बाद अब मुझे आए हैं, मतलब जिस दिन कंजक थी कल के दिन, मतलब रात को अचानक से, और मुझे ना पहले बहुत पेट में दर्द होता था, इतना दर्द होता था ना कि मैं 2-2 टैबलेट्स ले लेती थी, और मुझे ये लगता था कि अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इतना गंदा दर्द होता था। लेकिन वीर के टाइम पे वो दर्द थोड़ा कम हो गया, और शिवा के टाइम पे तो अब बिल्कुल भी नहीं होता, मुझे पता भी नहीं चला। और मुझे अचानक से ना खुद को फील हुआ कुछ, और मुझे लगा कि ओ शिट, ये क्या हो गया, कम से कम मेरा एक दिन रह गया था, मुझे कंजक तो कर लेने देते। मैंने पूरे व्रत रखे थे, लेकिन मेरी लास्ट में सब मैस हो गया। अब मैं 14वें वाले दिन कढ़ाई करूंगी, जो कि मम्मा और बोल रहे थे कि ऐसे कर लेना। तो मुझे 8 महीने के बाद पीरियड्स आए हैं, आप लोग बताना कि आपको कब स्टार्ट हुआ। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, मैं भी गोल, तू भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। वाह, है ना शिवा, गाओ, बोल के दिखाओ सबको, हाय बोलो, हाय, ये रुको इसको ऐसे लगाओ, देखो मेरा शिवा क्यूट लगता है, बहुत सोहना लगता है ये, बहुत डॉक्टर है ये, छोटा डॉक्टर, रुको, माय गॉड, नकली सामान देते हैं यार डॉक्टर किट के अंदर, कम से कम बच्चों का जो भी बनाता है ना वो सुन लो, चश्मा वश्मा ये सब तो अच्छा बना दिया करो, कम से कम बच्चा लगा तो सके, इसका क्या करेगा बच्चा, लूज है बिल्कुल, नॉनसेंस। और अब यहाँ पर शक्तिमान बन के बनाएंगे हम बर्तनों की रेल, जी हाँ, बर्तन करेंगे साफ, बर्तन गंदे हो जाते हैं ना गाइस, ये सबसे गंदा काम लगता है, थोड़ी थोड़ी देर में कभी 2 कभी 4 करके इतने बर्तन हो जाते हैं, ऐसा लगता है अभी तो बर्तन साफ किए थे, फिर से इतने सारे बर्तन कैसे हो गए,
सबके घर की आई गेस यही कहानी है, आपके घर की भी है ना, कमेंट जरूर करना ठीक है।